क्या आपने कभी ऐसे कैंगरू को देखा है जिसके सिक्स पैक्स एब होते हैं? और इस तरीके का पिग शायद आपने कभी देखा हो जिनकी बॉडी देखकर आप दंग रह जाओगे, जैसे कि इस व्हेल की बॉडी। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 10 ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के सामने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर चाय कम पानी ज्यादा है। तो चलिए देखते हैं। नंबर 10, बेल्जियम ब्लू बुल। इस जानवर के मसल्स देखने से ऐसा लगता है कि ये शायद नकली होंगे, लेकिन सांड की इस ब्रीड को बेल्जियम ब्लू बुल कहा जाता है। इस सांड में इस तरह के जबरदस्त मांसपेशियों की वजह है कि इनमें प्राकृतिक रूप से डबल मसलिंग होती है। दरअसल इनकी मांसपेशियों के ग्रोथ को रेगुलेट करने वाले एक खास किस्म के प्रोटीन की कमी की वजह से ऐसा हो जाता है। इस बुल की खास बात तो ये है कि इतने जबरदस्त मांसपेशियों के होने के बावजूद भी ये सांड बेहद ही शांत स्वभाव के होते हैं और इनका वजन तकरीबन 1100 से 1500 किलो या इससे भी ज्यादा होता है। नंबर 9, कोमोडो ड्रैगन। क्या आप ये जानते हैं कि जब भी दुनिया की सबसे बड़ी चिपकली का नाम जबान पर आता है तो वो कोमोडो ड्रैगन ही है जो हमारी नजरों के सामने आती है, क्योंकि यही चिपकली विश्व में सबसे बड़ी चिपकली मानी जाती है। और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितने खतरनाक होती है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लो कि एक बार कुछ गांव के कुत्तों ने इस पर हमला बोल दिया, लेकिन कोमोडो ड्रैगन ने उन सभी को ऐसा मजा जगाया था कि वो अपने पैरों को मलने लग गए थे। अब ये प्रजाति विलुप्त की कगार पर पहुंच गई है, क्योंकि हाल ही के कुछ सालों में कोमोडो ड्रैगन के अवैध कारोबार के लिए इस जीव का शिकार किया जा रहा है। नंबर 8, रिप पिटबुल। जरा इन कुत्तों पर नजर डालिए, ये वो कुत्ते नहीं है जिनको आपने अभी देखा जो कोमोडो ड्रैगन से लड़ रहे थे। दरअसल इस कुत्ते की खास बात तो ये है कि इस नस्ल के कुत्ते किसी जगह पर काटने पर अपने जबड़े से दबाकर अपने मुंह को तेजी से हिलाते हैं, जिससे वो अपने शिकार को गहराई से काट सके। ये कुत्ते पूरी दुनिया में फाइटिंग डॉग से भी जाने जाते हैं और इसका अंदाजा आप इसे देख के ही पता लगा सकते हैं कि ये कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 7, रॉजर कैंगारू। आपने दुनिया में अनेकों बॉडी बिल्डर देखे होंगे, मगर आज जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी बॉडी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, यह अनोखा कंगारू भी वहीं का है। इस कमाल के बॉडी बिल्डर कंगारू का नाम है रॉजर। आपको बता दें कि रॉजर को देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया के जू में काफी सारे लोग रोज आते हैं। रॉजर की बॉडी कमाल की है और उसकी लंबाई 6 फीट 9 इंच है और वजन 88 किलोग्राम है। आमतौर पर कंगारू की उम्र 20 से 25 साल की होती है। रॉजर की उम्र अभी 9 साल की है और हम आशा करते हैं कि वो ज्यादा जिए। नंबर 6, इंडियन बाइजन। ये बाइजन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक बड़ा काले लोम से ढका जानवर है। इसकी सबसे बड़ी आबादी भारत में पाई जाती है। बाइजन यू तो बहुत ही शर्मिला जानवर है और ये किसी पर भी बिना वजह हमला नहीं करता, लेकिन जब इनको छेड़ा जाए तो ये बड़े बड़ों को उनकी नानी याद दिला देता है। नंबर 5, गोरिला। गोरिला के हाथों में उनके पैरों की तुलना में बड़ी मांसपेशियां होती है। ये इसीलिए होता है क्योंकि वे अपने हाथों की ताकत का उपयोग झुकने और पट्टों को झटकाने के लिए करते हैं और खुद की रक्षा भी अपने हाथों से ही करते हैं। हालांकि दो पैरों पर सीधा चलने में ये सक्षम होने के बावजूद भी अक्सर ये चार पैरों पर चलते हैं। और बात करें इनके मसल्स की तो ये अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं जो काफी ज्यादा कूल लगते हैं। नंबर 4, लायन। दोस्तों लायन यूं ही नहीं जंगल का शेर कहलाता। जैसा कि इस वीडियो में बड़े बड़े बॉडी बिल्डर भी इस लायन को तस से मस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लायन की मसल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है। इसी वजह से ये प्रीडेटर जंगल का शेर कहलाता है। नंबर 3, ग्रिजली बियर। ग्रिजली बियर या जिसको ब्लू बियर भी कहा जाता है, ये ज्यादातर अमेरिका में पाए जाते हैं। इस भालू के मसल्स अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं जो इसे काफी ज्यादा पावरफुल बनाता है और इसका अंदाजा इसे देखकर ही पता लग सकता है कि ये कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। नंबर 2, मस्कुलर पिग। चीन और दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिक सुपर मस्कुलर सुअर बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कर रहे हैं, जिससे पिग्स में डबल मसलिंग होती है, जैसा कि हमने पहले देखा बेल्जियम ब्लू के साथ। लेकिन बस फर्क इतना है कि बेल्जियम ब्लू में वो बीमारी के चलते होता था, लेकिन इस पिग में जानबूझकर ऐसा करवाया जाता है ताकि ज्यादा मांस का फायदा हो सके। नंबर 1, जिराफ। आप सोच रहे होंगे कि मैंने लिस्ट में जिराफ को क्यों लिया, तो मैं बताना चाहूंगा कि जिराफ का शिकार करने से पहले शेर को भी 100 बार सोचना पड़ता है।
आपने अक्सर ऐसी वीडियो जरूर देखी होगी जिसमें जिराफ अपने पैरों की मदद से शिकारी पर पैरों की बौछार लगा देता है। जिराफ में यही तो खास बात है कि उनके पैरों में बहुत ज्यादा ताकत होती है और इस वजह से बड़े बड़े शिकारी भी उसे नहीं छेड़ते। अगर अभी तक इन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो जल्दी जाके देख लो, आपको मजा आएगा।